आज का जो टॉपिक है वो कुछ यूं है, आप ही लोगों का एक सवाल रहता है कि गानों में राग कैसे पहचाने। आप बहुत ये सवाल करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर गाने में कौन सी राग है, इस वाले में कौन सी राग है, हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि आपको लगता है कि उस गाने को निकालने के लिए, उसे गाने के लिए, उसे बजाने के लिए, उसे तैयार करने के लिए आपको उसकी राग जानना ज़रूरी है। तो आज हम उस पर जानेंगे कि क्या राग जानना ज़रूरी है और राग पता कैसे करते हैं और क्या वाकई कोई राग होती है या नहीं होती है। ठीक है, तो आइए जानते हैं। घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप, एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले, उसे समझने का कोई तो सिलसिला निकले, मैं चाहता भी यही था वो बेवफा निकले। किताब माजी के पन्ने उलट के देख जरा, किताब माजी यानी कि आपके अतीत की किताब। किताब माजी, किताब माजी के पन्ने उलट के देख जरा, न जाने कौन सपना मुड़ा हुआ निकले, न जाने कौन सपना मुड़ा हुआ निकले। नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं मास्टर निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का यूट्यूब चैनल। यह भी एक छोटी सी गज़ल जनाब वसीम बरेलवी साहब की लिखी हुई और जगजीत साहब की गाई एक गज़ल, ऐसे ही मन किया तो आपको सुनाई मैंने। तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि हर गाना राग बेस्ड नहीं होता है ना। हर गाना क्लासिकल बेस्ड नहीं है तो राग बेस्ड नहीं है, बिकॉज़ राग के अपने कुछ नियम होते हैं, है ना। और राग बेस्ड राग गाना बनाना इज़ वेरी टफ, बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि राग के जो नियम हैं, उनकी जो कायदे हैं या उसकी जो रुकावटें हैं, या यूं समझिए बंदिशें हैं, उसके अंदर एक लाइट कुछ चीज़ तैयार कर पाना, यानी लाइट म्यूजिक कुछ तैयार कर पाना, इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसलिए ज़्यादातर गाने अगर मैं बात करूँ तो वो राग बेस्ड नहीं होते हैं, मिक्स्ड होते हैं, है ना। मिश्रण होता है उनमें कुछ रागों का, कुछ चलनों का, है ना। बेसिकली जब एक गाना बनता है तो धुन आप बनाने अगर बैठते हैं, आपको लगता है कि यार मुझे एक गाने की धुन बनानी है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बनाने के भी अलग अलग तरीके हैं। कई बार धुन आपके जहन में आती है कि यार ये धुन आई है, कुछ स्वर बन पड़े हैं, कुछ संगतियां बन पड़ी हैं स्वरों की, तो ये धुन है, इस पर कुछ करते हैं, तो फिर आप उस पर शब्द जोड़ते हैं कई बार। और फिर एक तरीका ये है कि आप जब शब्द आपके पास हैं कि यार ऐसे ऐसे शब्द हैं, इस थीम पर हैं,
है ना, दुख है, खुशी है, कोई सा भी रस है ना, वो किस अंग का है, उस रस अनुसार आप धुन बनाते हैं, उस पर शब्दों को पढ़ते हैं, उन्हें जीते हैं, सोचते हैं, फिर अपने आप उससे एक धुन बन पड़ती है, उससे आप राग सिलेक्ट करते हैं, या फिर कई बार राग नहीं भी सिलेक्ट करते हैं, बस कुछ स्वरों का एक चलन होता है उसको आप ले लेते हैं, है ना, और कई बार आप राग का अक्स ले लेते हैं, तो पर्टिकुलर कोई राग उसमें हो ये ज़रूरी नहीं है ना। तो ये मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे कि राग बेस्ड हर गाना नहीं होता है, और मिक्स होता है, सुगम जो संगीत है, लाइट जो म्यूज़िक है, गज़ल गीत, भजन, कवाली, ठुमरी, कुछ भी कह लो, ठुमरियाँ जैसे कि हम देखें तो वो उपशास्त्रीय अंग में आती हैं, और उपशास्त्रीय का मतलब उसमें रागदारी होगी, उसमें राग का चलन होगा, लेकिन क्योंकि ठुमरी भी एक ऐसा प्रकार है जिसमें कि राग के साथ थोड़ी छेड़खानी होती है ना, यानी उसमें थोड़ा फेर बदल लिया जाता है, जैसे हम अगर पीलू एक के चलन में ठुमरी गाएंगे तो उसमें हम थोड़ा बहुत चेंज करेंगे, दूसरे दो स्वर लगाएंगे ही लगाएंगे, तो खूबसूरती आती है, थोड़े विवादी स्वर जो कि राग में नहीं लगते हैं उनका प्रयोग करेंगे, हम भैरवी की ठुमरियाँ देखें, खमाज की, काफ़ी की ठुमरियाँ देखें, तो इसमें हम कभी कभार थोड़ी छेड़खानी कर देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कि ठुमरी में थोड़ा सा राग की प्रधानता रहती है, बाकी भजनों में कह लो या गीतों में कह लो तो नहीं रहती है इतनी। कुछ लोग हैं जो बनाते हैं राग बेस्ड, तो वो प्रॉपर भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रॉपर राग बेस्ड नहीं, जैसे कि मैंने अभी जो वीडियो दिया था दरबारी के ऊपर, उसमें मैंने बताया कि दरबारी पर बेस्ड प्रॉपर अगर कोई गज़ल मैंने सुनी है, मेरी नॉलेज में है, तो वो मेहदी साहब की है, कूब कूब फैल गई बात शनासाई की, और प्रॉपर दरबारी का चलन है। उसके अलावा लोग जो जो बहुत फेमस, मैं तो फेमस का एग्जांपल दिया था कि आप लोगों को पता चले, बाकी और लोगों ने भी बनाई होगी, ऐसा नहीं है कि दरबारी पर सिर्फ उन्होंने ही बनाई, ऐसा नहीं है, है ना। तो वो चीज़ मैं वहाँ से ये लिंक इसलिए जोड़ा था कि आपको बता सकूँ कि राग पर बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, प्रॉपर राग पर बनाना, है ना। अब जैसे जो मैंने अभी जो गज़ल सुनाई वो भी पीलू टच की है, लेकिन प्रॉपर पीलू का उपयोग ही नहीं है उसमें, है ना। अब पीलू में दोनों गंधार लगते हैं, कई बार होता है कि दो रागें आसपास की होती हैं, जैसे ये अगर आप देखें तो पटदीप का भी चलन है, गम पनी निसा गम बगम गरे सनी सदा बगम पनी सा, है ना, ये पटदीप का चलन है, लेकिन इसी में बने सारे गा सापगसानी, सुर वही है लेकिन यहाँ पीलू आ गया है, है ना। दरना जैसे हमारी मेहदी साहब की गजल सुनिए, कैसे छुपाऊं राज गम दीदाए तर को क्या करूं, तो इसमें हल्का सा पीलू टच भी है तो पटदीप टच भी है ना, तो मिक्स्ड भी होते हैं। फिर अब मेन जवाब मैं आपको अगर दूं, जो कि बड़ा सिंपल सा है, कि आप कहते हैं राग कैसे पहचानी जाए, तो जाहिर बात है उसके लिए वो राग आपको आनी चाहिए, बहुत सिंपल सा जवाब है ना, कि आपने अगर वो राग सीखी है तो ही आप उसको पहचान पाओगे, है ना। सिंपल सी चीज़ होती है, हमारा ये जो माइंड है ये एक स्टोरेज डिवाइस है, यहाँ वो राग स्टोर होती है, वो नॉलेज स्टोर होती है, फिर जब क्या होता है, जब उससे मिलता जुलता कहीं अक्स उसका, यानी उसके जैसा कुछ हमको सुनाई देता है या दिखाई पड़ता है, तो अचानक दिमाग में आता है यार ये कहीं सुना हुआ है, या इस आदमी इस शख्स को कहीं देखा है, तो वो कैसे पता पड़ता है, क्योंकि इधर कुछ स्टोर है पहले से, तो वो राग अगर आपने सीखी है, उसमें बहुत सारे गीत गज़ल भजन आपने कुछ गाए बजा रखे हैं, या वो ताल, तो आप अचानक से फिर पहचान पाते हो अगर वो कहीं बजती है, कि हाँ यार ये वाला थाट है और ये वाली राग है। कई बार होता है प्रॉपर राग नहीं है, उस थाट का अंग है, जैसे कि मैंने कई सारे आपको बताए जो दरबारी के जो गाने मैंने अभी फिल्मी गाने बताए थे आपको, और जो हमने गज़लें देखी थी, तो अब वो प्रॉपर दरबारी नहीं है, लेकिन आप कह सकते हो आसावरी थाट है ना। पर आप थाट भी क्यों कहोगे, थाट भी तब कहोगे ना जब वो प्रॉपर कोई राग हो, है ना, क्योंकि थाट पर गाने तो बनते नहीं, गाने तो राग पर बनते हैं या फिर धुनों पर बनते हैं। अब राग पता करने के लिए एक और चीज़ ये भी है कि सप्तक पूरा होना चाहिए, कि अगर पूरे सात स्वर लगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये राग है। और कई बार तो राग पता करने के लिए एक से ज़्यादा सप्तक की आवश्यकता रहती है, क्योंकि कई बार कई रागें हैं जिनका चलन और जिनका जो फर्क है ना, जो विभिन्नता है, वो सप्तक अनुसार पता चलती है कि भाई ये जो राग है, जैसे मारवा और पूरिया है, तो हमको मालूम है कि मारवा जो है वो
खरज में, यानी मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक में ज़्यादा अच्छी खेलती है, और सोहनी जो है वो तार सप्तक में ज़्यादा अच्छी खेलती है। तो अब लेकिन सुर तो दोनों के सेम है, कैसे पता चलेगा? कुछ गाना अगर आधे ही सप्तक का हो तो पता नहीं चल पाएगा, बहुत मुश्किल है पता कर पाना, है ना? तो इसीलिए कई बार एक से अधिक सप्तक भी लगता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि गाने राग बेस्ड ही हों, राग पर ही बने, लेकिन हाँ ये सारी चीज़ें मद्देनजर रखते हुए आप पता कर सकते हो कि हाँ ये राग तो नहीं है पर इस राग की छाया इसमें है, कि इसका थोड़ा बहुत चलन है, है ना, वो आप कह सकते हो। वरना प्रॉपर राग पर गाने नहीं, ख्याल बनाए जाते हैं, है ना। भजन भी बनते हैं, ऐसा नहीं, प्रॉपर राग पे भी, राग बेस्ड भी बनते हैं, वो भी बहुत खूबसूरती से बनते हैं, और उनको गाना फिर उतना ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें आप छेड़खानी फिर कर नहीं सकते, है ना, आप राग के नियमों में बंध कर आपको चलना होता है। तो राग पहचानने के मेरे ख्याल से मैं तरीके आपको बता चुका हूँ, यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर गाने में राग हो। दूसरा कि वो राग अगर आपने सीखी हुई है तो उस राग को आप सुनकर कहीं ना कहीं आपको पता पड़ जाएगा। और चौथा, तीसरा कि ज़रूरी नहीं है कि प्रॉपर राग हो तो आप थाट भी पता कर सकते हो कि हाँ इस थाट में है, ये इसका सा है। और सा पता करने के लिए जाहिर सी बात है उसका सप्तक भी होना ज़रूरी है गाने का। अब कोई गाने की कंपोजिशन ही आधे सप्तक की है तो कैसे पता करोगे आप कि इसमें ये राग है? आप नहीं कह सकते, है ना। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ही आप गौर कीजिए, सीखिए थोड़ा क्लासिकल, फिर आप धीरे धीरे अपने आप पता करने लग जाएंगे और ये डिफरेंसेस जो हैं आपको मालूम चलने लग जाएंगे। ऐसे ही सीखते रहें संगीत प्रो वर्ल्ड से, देखते रहें हमारे वीडियोज़ को। धन्यवाद।